दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से अभी रिसेंटली में काफ़ी बेहतरीन अपडेट निकाला गया है। अब आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप नेट बैंकिंग चला सकते हैं। अब आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने बैंक में बचा हुआ बैंक बैलेंस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने बैंक का स्टेटमेंट और साथ ही साथ अपने बैंक में बचा हुआ बैंक बैलेंस किस प्रकार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए या फिर अपने बैंक का मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। सिंपली इस वाले मोबाइल नंबर से आपको एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड करना है। हो सकता है आपको मेरी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, तो मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाले मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली इस वाले मोबाइल नंबर से आपको जो मैसेज टाइप करना है, टेक्स्ट मैसेज जो टाइप करना है, उसमें आपको सिंपली लिखना है, आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, आपको कैपिटल वर्ड में टाइप करना है WARE, इसके बाद में आपको स्पेस देना है और इसके बाद में आपके जो भी बैंक के अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद में टोटली आपका ये मैसेज तैयार हो जाएगा। तो इस मैसेज को आपको इस ऊपर वाले नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जब ये वाला मैसेज आप इस वाले नंबर पे सेंड कर दोगे तो इसके बाद में आपके पास में रिटर्न में एक मैसेज आएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास में रिटर्न में एक मैसेज आया है, डियर कस्टमर यू आर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज, काइंडली सेंड व्हाट्सएप मैसेज फॉर द फॉरवर्ड SBI व्हाट्सएप नंबर मोर फॉर इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ चुका है बैंक की तरफ से, तो चलिए हम चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, हमने हमारा व्हाट्सएप ओपन कर लिया है और यहां पर हमारे बैंक की तरफ से हमें एक मैसेज मिल चुका है। तो चलिए इस मैसेज को हम यहां पर ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, डियर कस्टमर योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज फीचर डिटेल प्लीज टाइप हाई SBI। तो यहां पर बताया गया है इस मैसेज में, अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहां पर एक मैसेज टाइप करना है। तो सिंपली हम हाई टाइप करते हैं और यहां पर सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं। हम जैसे यहां पर सेंड के बटन पर हाई लिखकर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में जो जो भी सर्विस हम व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं उन सभी की लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम अकाउंट बैलेंस यहां से चेकआउट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट हम यहां पर चेकआउट कर सकते हैं और डी रजिस्टर फॉर व्हाट्सएप बैंकिंग हम यहां पर कर सकते हैं। यानी कि अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो यहां पर व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू हम दो ही सर्विसेज बैंक के लिए ले सकते हैं, एक तो हमारा अकाउंट बैलेंस हम चेकआउट कर सकते हैं और एक हम मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, और हमने जो यहां पर हमारा व्हाट्सएप बैंकिंग रजिस्टर किया है वो हम यहां पर डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तीन टाइप करके मैसेज सेंड करेंगे, मिनी स्टेटमेंट के लिए हम दो लिखकर मैसेज सेंड करेंगे और बैंक बैलेंस के लिए हम यहां पर वन टाइप करके मैसेज सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर वन टाइप करते हैं और यहां पर मैसेज सेंड कर देते हैं। हम जैसे वन लिखकर मैसेज सेंड करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, प्लीज वेट द फीज योर बैलेंस। तो हमारा बैलेंस हमारे सामने आ चुका है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे बैंक में जो बैलेंस है वो अभी फिलहाल 101 रुपया है। और यहां पर इसी प्रकार अगर हम हमारा बैंक का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो हम यहां पर दो टाइप करेंगे और यहां पर सेंड कर देंगे। हम जैसे दो टाइप करके सेंड करेंगे तो हमें प्लीज वेट यानी रुकने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर आ चुका है, हमारा जो बैलेंस है वो 101 रुपया है और हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ था वो यहाँ पर 5/6/2022 डेट को हुआ था, सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा 8/5/2022 डेट को यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन सर्विस है अभी, लेकिन ये फिलहाल के लिए दोस्तों SBI कस्टमर के लिए है, जिसका अकाउंट SBI बैंक में है वही व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस यूज कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सर्विस सभी बैंकों के लिए लाइव कर दी जाएगी। जब अन्य बैंकों के लिए ये सर्विस लाइव कर दी जाएगी तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।